बार बोला ना पैसा दे, एक बात मैं बार बार नहीं दोहराता। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, लोगों के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करके ही पैसे कमाए हैं मैंने, ऐसे दारू में उड़ाने नहीं दूंगी। अपने पति से जवान लड़ाती है, जवान लड़ाती है। काकी हा? अब आपके घुटनों में दर्द तो नहीं है ना? हाँ बेटा, तूने जो घुटनों के लिए दवा दिया था ना, उससे मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। नमस्कार। नमस्कार, कैसे है? बस ठीक है। बड़ी 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 ये नीता जी है। नमस्कार। ये चाल में रहते हैं। आइए, हमारे चाल के लोग ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते एक दूसरे को। हाँ, पति से जवान लड़ाती है, जवान लड़ाती है। ये सुनील और रेखा का फिर से किचकिच शुरू हो गया लगता है। अरे अगर मेरे को दोबारा पैसा लेने से रोका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। तुझसे बुरा और हो भी कौन सकता है? कहा ना मैंने कि मैं पैसे नहीं दूंगी। जवान लड़ाती है, आज तेरे को सबक सिखा के रहेगा मैं। ए सुनील, खबरदार जो उस पे हाथ उठाए तो। देख सविताई, ये मेरा और मेरे बाइकों का पर्सनल मामला है, बीच में कुछ नहीं बोलने का। इसको तो मैं ए, तुम्हारा अकेले का मामला नहीं है, सगा साहिल का मामला है। हाँ, अगर दोबारा दीक्षा को तुमने धमकी दी तो तुझे चौल के बाहर उठा के फेंक दूंगा मैं। हाँ खबरदार, जो किसी ने मेरे मर्द को धमकी दी वो जैसा भी है मेरा पति है, और इसे कोई भला बुरा नहीं कह सकता। सुना तुमने, तुम्हारे इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये अपना पत्नी धर्म निभा रही, क्या तुम एक पति होने का कर्तव्य पूरा कर पा रहे हो? देख, अगली बार ना तूने इस पे हाथ भी उठाया या उंगली भी उठाई ना, तो तेरे को मैं जेल में भिजवा दूंगी, समझा? गलती हो गई। चल जा भाई। माफी हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो। अरे बस जाने दो, चलो नहा लो, मुझे भी काम के लिए निकलना है। चलिए अच्छा है, सुनील को अकल आ गई आज। सुनील को तो सबक मिल गया, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर ना मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए। आपके पति भी? हाँ, बहुत शराब पीता था, हर वक्त नशे में रहता था, और जब नशे में नहीं रहता था ना तो इसी तरह जबरदस्ती मेरे से पैसा मांगता था। और आप पैसे दे देती थी? हाँ, क्या करती, और जब मैंने पैसा देना बंद किया ना तो मेरे सारे गहने, कपड़े, घर का सारा सामान, यहाँ तक कि घर का पूरा अनाज भी बेचना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन यही शराब उनको मुझसे दूर ले गई और लीवर फेल हो गया। I'm sorry, मुझे ये सब नहीं पता था। अब आपके पति के बाद आपके घर में कौन कौन है? मेरे दो बच्चे थे, अनुज और कशिश। भगवान भी इतना निर्दयी है ना, एक एक्सीडेंट में मेरे दो बच्चों को मुझसे छीन लिया। मैं समझ सकती हूँ कि अपने को खोने का गम क्या होता है। हौसला रखिए, आने वाले दिन खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। कल की इसी उम्मीद पे तो मैंने ये एनजीओ की स्थापना की थी, और चाल के सारे परिवार वालों को मैंने अपना परिवार माना। काकी, आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। अच्छा अभी रहने दे, ज्यादा तारीफ मत कर मेरी। हाँ चल अंदर चल, मैं तेरे को ना गरम गरम चाय पिलाती हूँ। हाँ? अरे नहीं काकी, मुझे ना लेट हो रहा है, और आज ही मुझे कॉलेज भी जाना है अपने थीसिस का फॉर्म भरने, तो हम शाम को मिलते हैं चाय पे। पक्का ना, संभल के जाना। हाँ? आज तो बहुत लेट हो गई। ये तो वही लड़का है, आज तो इस रोमियो को सबक सिखा कर आऊंगी। हेलो ओ मिस्टर, हेलो, रुक, कब से मेरा पीछा कर रहा है, रुक, भागता कहाँ है, रुक। भाग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पर सविताई, मुन्नी को स्कूल भेजकर क्या फायदा, बाद में उसे शादी करके चूल्हा चौकाई तो संभालना है। यही तो गलत मानसिकता है उर्मिला, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितना अधिकार लड़कों का है ना, उतना ही लड़कियों का भी है। आज हमारे देश में ज्यादातर परिवारों में महिलाएं उतना ही आर्थिक सहयोग देती है जितना कि पुरुष। क्यों नीता, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल कहा। आज के जमाने में स्त्री का अस्तित्व उसके पिता या पति पे निर्भर नहीं करता, लड़की को भी पूरा अधिकार।
कि वो अपनी पहचान बना सके और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। क्या बात है? आप दोनों के विचारों से हम सब सहमत हैं। हाँ। तो मुन्नी का स्कूल जाने का पक्का हो गया। हाँ, पक्का, पक्का, पक्का। ये फिर से यहाँ आ गया। लगता है इसको सुबह की डांट का कुछ असर नहीं हुआ। कौन है ये नीता, तुम जानती हो? नहीं काकी, पता नहीं कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन रोज मेरा पीछा कर रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जमकर खबर लेते आज इसकी। चलो हेलो, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? क्या कर रहे हो? चाहते क्या वहाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे सुन, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या हो गया इसे? अरे सीढ़ी, अरे ये तो छत, अरे सुन, छत के ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? एक किधर जा रहा है ये? रुको। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे नीचे तो। अरे खोपड़ी सटक लिया तुझी, क्यों जान देना चाहता है अपनी? अरे बोल ना कुछ। अरे बोल। मैं यहाँ कैसे आया, इधर क्या कर रहा हूँ मैं? तेरे को नींद में चलने का आदत है क्या? कब से बुला रहे हैं तेरे को? ड्रामा मत करो, बताओ कि मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं बात करती हूँ। बेटा देख, तेरे दिल में ना जो कुछ भी है सच सच बता दे। तू नीता को पसंद करता है क्या? वो बात नहीं है, मैं तो नीता जी का बॉडीगार्ड हूँ। इनके पिताजी ने मुझे इस काम पर रखा था कि इनकी मैं रक्षा करूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि इनको पता ना चले। झूठ मत बोलो, मेरे पापा मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड। अरे नीता बिटिया, अरे अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात है बेटा, अंकल से नमस्ते और पापा से हेलो हाय कुछ भी नहीं? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ऐसा मैंने क्या कर दिया? आप जानते हैं ना कि मैं मंगलावाड़ी चौल में अपनी रिसर्च कर रही हूँ। मुझे उन लोगों के रहन सहन, उनका गुजर बसर, वो सब जानना है, इसलिए तो मुझे उनके बीच में रहना पड़ रहा है। हाँ बेटा, तो मैंने आपको अनुमति दे तो दी थी ना चौल में रहने की? अनुमति दी वो ठीक है, लेकिन वो बॉडीगार्ड वो मेरे पीछे क्यों आ जाता है बार बार? देखो बेटा, मैंने बॉडीगार्ड इसलिए रखा था कि मैं चैन की नींद सो सकूं और मुझे यकीन रहे कि मेरी बिटिया वहां पर सुरक्षित है। पापा मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, अपनी देखभाल कर सकती हूँ। शेखर अंकल समझाइए ना पापा को। पापा के लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी, 50 साल की हो जाओगी ना तब भी। आप भी ठीक है, आप भी ना पापा की तरफदारी कर लो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो आपकी ही तरफ है। देखो रतन, ये अच्छी बात नहीं है भाई, नीता बिटिया को उसकी पर्सनल स्पेस मिलनी चाहिए। लेकिन शिखर तुम्हें तो पता है ना शहर में जुर्म कितने बढ़ गए हैं, अब मैंने एक बॉडीगार्ड रख लिया तो कौन सा पार टूट गया यार? मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी, कल मेरा जन्मदिन है और ये मेरा जन्मदिन का गिफ्ट कि नो बॉडीगार्ड। अरे हाँ, कल तो नीता बिटिया का जन्मदिन है। अरे यार मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरी प्यारी प्यारी बिटिया का जन्मदिन। मैंने जन्मदिन की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पार्टी? ठीक लगा ना बेटा? हैप्पी बर्थडे नीता। थैंक यू सो मच, प्लीज एंजॉय। नीता बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। थैंक यू सो मच काकी। पापा ये सविता काकी है, मैंने बताया था ना आपको इनके बारे में। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। हमारी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती। आपकी बेटी भी बहुत बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये है मेरे बिजनेस पार्टनर शिखर। नमस्ते। नमस्ते, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर अंकित। थैंक यू सो मच। अरे सर, लुकिंग हैंडसम सर। थैंक यू। अच्छा सर, कल हमारे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग फिक्स हुई है सुबह 10 बजे। 10 बजे, ओके डन। हेलो जी, ये मेरी बर्थडे पार्टी है, आपका ऑफिस नहीं तो ये जो अपना काम है ना ऑफिस आगे रखिए। सॉरी बेटा, सॉरी आई एम सॉरी, आज काम की कोई बात नहीं हुई, ठीक है? चलो अब केक काटे। पापा बस एक मिनट, छोटा सा सरप्राइज है। रामू श्याम जल्दी से सारे मेहमानों के चश्मे ले आओ।
चश्मे? चश्मे? ये देखिए, रंग बिरंगे चश्मे। सो आज का थीम है गॉगल्स, तो ये सबको पहनने। ओके गाइज, वेरी इनोवेटिव आइडिया। तुम्हें ड्रेस से मैच कर रहा है ना? हाँ। मैं अभी नहीं लगाऊंगी, मैं केक काटने के बाद लगाऊंगी। चल चल केक काटते। गन? रतन सर, अरे रतन ये क्या कर रहा है यार? गोली लग गई सर। ये असली की नकली यार? गुड बाय शेखर। रतन गुड बाय। रतन सर, ये तो बेहोश हो गए। ये अच्छा है, गोली मार के बेहोशी की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, शेखर जी को गोली लगी है। और सीआईडी को भी फोन करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, सीधे सीने पे मारी गई है। आप सबने देखा था रतन जी को गोली चलाते हुए शेखर जी पे? हाँ सर, हम तो हक्के बक्के रह गए हैं देख के। इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी, सब कितना एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं अचानक रतन जी को क्या हो गया, उन्होंने गोली चला दी। जरूर मेरे पापा के खिलाफ किसी ने साजिश की, ऐसा कर ही नहीं सकते। रतन जी। हाँ। सर। रतन जी को होश आ गया। उठाओ ने। ये उठिए, चलिए। उठिए। शिखर को क्या हो गया? अरे सर क्यों भारी हो रहा है? पहले खून कर दिया इनका, अभी सरदर का बहाना कर रहे हो? हाँ? ये नाटक बंद करो, उठाओ। लुटिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया। नीता बेटा, क्या कह रहे हैं ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पापा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। समझ में आएगा सबको, बहुत जल्दी सबको समझ में आ जाएगा। निखिल मयूर, घर के अच्छी तरह से तलाशी लो। यहाँ पे पार्टी में जितनी भी चीजें मौजूद है सबको उठा लो। जयंती सर, इस गन को फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। रतन जी चलिए ब्यूरो चलते हैं। पापा ठीक तो है ना? पापा सर, सब बैलिस्टिक्स रिपोर्ट आ गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि शेखर को जो गोली लगी थी वो रतन जी के गन से चली थी, और उस गन पे जो उंगलियों के निशान मिले थे वो भी रतन जी के ही थे। कहिए रतन जी, क्या कहना है आपको इस बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर सर बहुत भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरी नींद से जागा हूं मैं। कोई डरावना सपना देखा है मैंने। हाँ मगर क्या करे, शेखर जी की मौत तो कोई सपना नहीं है। सारे सबूत यही कह रहे हैं कि शेखर का खून तुमने किया है। मैंने कोई गोली नहीं चलाई सर, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? तो फिर वो गोली क्या अपने आप शेखर जी के शरीर में गई? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। जी। मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे पापा दिल के मरीज हैं, उन्हें टेंशन मत दीजिए। सर मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी में लेकर चलो, हॉस्पिटल में एडमिट करो जल्दी। चलिए मैं भी चलती हूँ साथ में। नहीं आप नहीं जाएंगे, उन्हें पहले एडमिट होने दो, बाद में मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। प्लीज सर मेरे पापा को छोड़ दीजिए। अगर तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं किया है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, रतन जी का कोई झगड़ा वगड़ा था पहले से शेखर जी के साथ, या फिर कल पार्टी में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं सर,
वो तो पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा के बर्ताव में कुछ तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगा? कभी आदमी कोई टेंशन में होता है या वैसे कुछ? हाँ सर, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन उनका मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा था और वो शेखर अंकल को कुछ कह भी रहे थे, तुमने काम सही से नहीं किया, वो वापस आ गया। वो वापस आ गया? ये कौन? सर नाम तो नहीं लिया था। अच्छा, ये बातचीत कब हुई थी दोनों के बीच? कल हुई थी, एनजीओ से लौटने के बाद। एनजीओ? कौन सा एनजीओ है ये? मेरी बड़ी बहन सानिया की मौत के बाद पापा ने एक एनजीओ खोला था, जहाँ पे हम गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा और रहने के लिए छत देते हैं। कहाँ है ये एनजीओ? नमस्कार साहब, मी कपिल, यहाँ एनजीओचा मैनेजर आहे। आप ये बताएंगे कि इस एनजीओ में आप कब से काम कर रहे? पहले दिन से, जब रतन जी ने सानिया मैडम के याद में इस एनजीओ की स्थापना की थी। फिर तो आप काफी करीब से जानते होंगे शेखर जी और रतन जी को। हाँ जी, एनजीओ में काम करने वाले सभी लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते थे। हमेशा आकर हमसे हमारे सुख दुख के बारे में पूछते थे और अपने सुख दुख बांटते भी थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि शेखर जी और रतन जी के बीच में किस बात को लेकर टेंशन चल रही थी। नहीं साहब, ऐसा कहीं ना थे। वो दोनों बिजनेस पार्टनर कम और भाई समान ज्यादा थे। भाई समान थे तो फिर रतन जी ने शेखर जी का खून क्यों कर दिया? जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोच के बताइए कि शेखर जी और रतन जी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ बहस हुई थी? ऐसा कई झाले न होते। लेकिन रतन जी की बेटी बता रही थी कि रतन जी और शेखर जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे कि कोई आया है। कौन वापस आया है, कुछ पता है आपको? हाँ, वो ये दोनों यहाँ बात कर रहे थे इसके बारे में, जब मैंने उस अजीब घटना के बारे में बताया उन्हें। अजीब घटना? कैसी अजीब घटना? कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझे फोन किया था, कहा शेखर जी और रतन जी ने उसे काम पे रखा है और उसने अपना अपॉइंटमेंट लेटर मेल किया कंपनी के लेटर हेड पे, प्लीज चेक कर लीजिए। दूसरे दिन से वो काम पे आने लगा और सब फाइलें वगैरह चेक करने लगा। कौन सी फाइलें चेक कर रहा था? सारी फाइलें, टैक्स की फाइलें, अकाउंट्स की फाइलें, और हाँ, रतन जी और शेखर जी के जिंदगी के बारे में काफी सवाल पूछे। फिर क्या, बस लंच ब्रेक में खाना खाने के बहाने बाहर चला गया और वापस ही नहीं आया। जब भी मैंने इस घटना के बारे में दोनों बॉसेस को बोला तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को काम पे रखा ही नहीं है। इतनी मेहनत करके आया था पूछताछ करने के लिए, जरूर इस जुर्म में उसका हाथ है। शेखर जी ने रतन जी को कहा कि वो वापस आ गया है, उन्होंने अपना काम बराबर किया नहीं है। इस आदमी का चेहरा तो देखा था ना आपने, हमारे लिए स्केच बनवाई। साहिब, दरअसल बात यह है कि उस दिन मैं अपना चश्मा घर में भुलाया था और चश्मे के बगैर मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। सामने कुर्सी पड़ी की गाड़ी पड़ी, मेरे को वो भी नहीं दिखता। सर, एक बात तो तय है, ये जरूर इन दोनों के अतीत से जुड़ा हुआ ही कोई आदमी है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो बड़ी आसानी से इस अनजान आदमी को उन्होंने पहचान लिया। इस नए मोहरे से जल्द मिलना होगा। सर, हाँ, पता चला एनजीओ से किसका फोन था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अनबन हो गई? सर, एनजीओ वालों को उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उनका कहना था कि कोई आदमी आया था, अनजान आदमी, जो काफी सवाल जवाब कर रहा था वहां पे। ये आदमी जरूर रतन ने जो अपने बेटी सानिया के नाम पे एनजीओ चलाया उसी से संबंधित है। रतन और शेखर दोनों इस आदमी के बारे में जानते थे और इसीलिए इन दोनों के बीच में बहस हो गई। सर, कहीं ये जो भी चीजें हो रही हैं, इन सबका संबंध सानिया की मौत से तो नहीं? नीता, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन की मौत कैसे हुई? दीदी ने आत्महत्या की थी। क्यों? मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? मैं उस वक्त हॉस्टल में थी, घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं सबसे अनजान। अच्छा, जब आपकी बहन ने आत्महत्या की तो उस वक्त क्या आप हॉस्टल में थी? उस वक्त तो मैं घर पे थी, छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और पापा मॉल से शॉपिंग कर आई और जैसे ही पापा ने दरवाजा खोला। सानिया बेटा, सानिया, सानिया! नीता, क्या तुमने अपने पापा से पूछा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों तुम्हारी बहन सानिया ने ऐसा कदम उठाया? पूछा था सर, बहुत बार, लेकिन पापा हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं, और वो रोने लगते थे, इसलिए मैंने इस बारे में कभी उनसे बात नहीं की।
मगर किसी को तो पता होगा ना क्या तकलीफ थी सानिया को, कोई खास दोस्त न कोई तो? आया जी थी, वो हमेशा उनके साथ रहती थी, उसकी जिंदगी के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक वो हमेशा दीदी के साथ रही है। जी ये आया रहती कहाँ है? उसी चौल में जहाँ मैं रिसर्च कर रही हूँ। अभी भी पापा उनकी तनख्वाह हर महीने बराबर पहुँचा देते। बेटी क्या चल रहा है तुम्हारा, अभी तक गिनती चालू है? आई एम सॉरी सर, पता नहीं क्यों मगर मुझे एक चश्मा कम लग रहा है। एक चश्मा कम लग रहा है मतलब? सर पार्टी में 20 लोग आए थे, हाँ। मैं कम से कम 5 बार गिन चुका हूँ, हर बार 19 चश्मे बता रहे। तो फिर एक चश्मा कहाँ गया? पता नहीं सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो चश्मा मेरे पापा ने पहना था वो तो इसमें है ही नहीं। पापा का चश्मा कहाँ गया? सर हो सकता है जब पापा बेहोश हुए हो तो कोई लेकर चला गया हो। कमाल है सर, पार्टी में खून हो जाता है मगर फिर भी किसी को चश्मा चुराने की सूझी। एक बात और सर, बिल्कुल उसी तरह का चश्मा मेरे बॉडीगार्ड ने भी पहना था जब वो चौल की छत से कूदकर खुदकुशी करने वाला था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वही चश्मा था जो तुम्हारे पापा ने पहना था? क्योंकि मैंने उसे पहले भी देखा है, वो कभी चश्मा नहीं पहनता, लेकिन उस दिन चौल की छत से जब वो कूद रहा था तो उसने उसी तरह का चश्मा पहना था। वो चश्मा ही मनुष्य है। सर इस चश्मे का खून के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? सचिन कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस चश्मे को लेकर। क्या नीता, क्या हमारे लिए तुम्हारे पिताजी के गॉगल का जो डिजाइन है वो बनवा सकती हो हमारे स्केच आर्टिस्ट से? जरूर सर, और दोनों को कनेक्ट कर। ठीक है, थैंक यू। कमाल का डिजाइन है ये इस चश्मे का। सर ये चश्मा तो कस्टम मेड लगता है क्योंकि रेडीमेड चश्मों के डिजाइन ऐसी नहीं होती। हाँ श्रेया, ये ऑर्डर देख के डिजाइन देख कर बनाया गया चश्मा है ये। पता लगाना पड़ेगा शहर में ऐसी कौन सी दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं ये इस तरह के चश्मे बनाती है। फिर सानिया की आया के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा। हेमलता जी, कौन है आप? सानिया की आया थी ना? हाँ, पर आप लोग? देखिए हम सीआईडी से। सीआईडी? माफ करना माँ जी, हम लोग ने आपको परेशान किया। ठीक है बेटा, दिवस भर में आराम ही करती हूँ, पर आप लोग यहाँ कैसे? देखिए हिमलता जी, आप सानिया की आया रही बचपन से है ना, और फिर सानिया ने आत्महत्या भी की ये तो आप जानती ही है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्यों सानिया ने क्यों आत्महत्या की? बहुत दिनों बाद इन बूढ़ी आंखों को आप लोगों ने नम कर दिया। हम आपका दुख समझते हैं। मैं हूँ जिम्मेदार, मैं हूँ। या तो रतन जी को मैंने मनाना चाहिए था उस रिश्ते के लिए, वरना सानिया को मजबूर करना चाहिए था वो लड़के को भूलने के लिए। लड़का? कौन लड़का? जिससे वो प्यार करती थी। प्यार करती थी? अच्छा तो फिर हुआ क्या? वही आमिर गरीब लड़का, गरीब था ना। एक दिन अचानक वो लड़का कहीं दूर चला गया। महीनों इंतजार करती रही सानिया, न खाती थी न पीती थी, वो अपने बंद कमरे में रोती रहती थी। वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसका कोई टेलीफोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं, सानिया ने कभी उसका नाम या पता नहीं बताया अभी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी हमने आपको बहुत तकलीफ दी, आराम कीजिए। सर सोच रही हूँ दया सर के लिए एक चश्मा ले लूं। दया का बर्थडे आने वाला है क्या? नहीं सर, वो हमेशा ना मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं इसीलिए। अच्छा, गिफ्ट देके उनको खुश करना चाहती हो? नहीं सर, उनपे बहुत अच्छा लगेगा इसलिए। बाद में देखते हैं। एक्सक्यूज मी,
जी कहिए, किसके लिए चश्मा दिखाऊं? एक मुजरिम के लिए। मुजरिम के लिए चश्मा? मैं कुछ समझा नहीं। तेरा ये डिजाइन देखो चश्मे की, ये आपने ही बनाया था? जी हाँ, आपको पसंद है? आप लोगों के लिए भी बनवा दूं? नहीं नहीं, आप हमें माफी कीजिए, आपका बनाया हुआ ये चश्मा पहनकर लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। कोई छत पे पहुंच जाता है छलांग लगाने, तो कोई किसी को गोली मार रहा है। क्या मजाक कर रही हैं आप? ये सब मेरे चश्मे की वजह से हो रहा है? हम मजाक के मूड में नहीं है। सीआईडी, अब जरा ध्यान से बताओ किसके लिए बनाया था ये? एक मिनट सर। सर ये कोई अभिषेक नाम का आदमी था। क्या बात है सर, नाम भी है, एड्रेस भी और फोन नंबर भी है। कॉल करो जी। सो नंबर गलत है। गलत? लगता है एड्रेस भी गलत है। दिल दरिया कॉलोनी। दिल दरिया कॉलोनी कभी सुना है आपने कहीं? कहाँ पे है मुंबई में? सॉरी सर, मैंने एड्रेस ठीक से देखा नहीं था। आंखों का बिजनेस करते हो तुम, आदमी को तो देखा होगा ठीक से। दरअसल सर मैं उस वक्त दुकान पर नहीं था, मेरा कारीगर जगनलाल था, उसने ही अभिषेक को देखा था। बुलाइए जरा ये जगनलाल जी को। जगनलाल जी सर, ये लोग सीआईडी से हैं। जरा इन्हें बताओ ये खास डिजाइन वाला चश्मा किसने बनवाया था? साहब वो बड़ा ही अजीब आदमी था, बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, आंखों पर काला चश्मा लगाया था और ना जाने कितने दिनों से उसने दाढ़ी नहीं की थी, काफी लंबी दाढ़ी थी उसकी। ओह, नाम और एड्रेस की तरह हुलिया भी नकली। कुछ और याद आता है इस आदमी के बारे में? हाँ सर, अक्सर जो लोग चश्मा बनाते हैं ना वो सामान हमारी दुकान से ही लेते हैं, लेकिन वो खुद अपना सामान लेके आया था, फ्रेम कांच और एक अजीब सी छोटी सी चीज उसने लगाई थी चश्मे में। छोटी सी चीज? अच्छा, उस चीज के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अपने मोबाइल का सिम कार्ड होता है ना, उससे भी छोटी चीज थी। और साहब चश्मा बनने के बाद उसने मुझे पहनने भी नहीं दिया, मुझे फिटिंग चेक करवानी थी तो बोला चश्मा गंदा हो जाएगा। ये भी कोई बात हुई? कोई बात नहीं, आप जरा ये मेरा कार्ड रखिए, अगर वो आदमी दोबारा आए या दिखाई पड़े तो मुझे फोन करना, और उसको नहीं बताएंगे, इतना तो समझते हैं ना आप? समझ गए सर। सर ये रोहन और मीशा है, ये सानिया के बड़े अच्छे दोस्त है। घबराओ मत, देखो हमने तुम्हें यहाँ कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाया है। कैसे सवाल सर? सानिया के बारे में, क्या तुम लोगों को पता है सानिया ने ऐसा क्यों किया, क्यों आत्महत्या की? पता नहीं सर, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो हम जरूर उसकी मदद करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। एक बात बताओ, क्या सानिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था, कोई लड़का था उसकी जिंदगी में? हाँ सर, एक लड़का तो था, मगर उसने कभी हमें उससे मिलवाया नहीं। क्यों? पता नहीं सर, वो बोली सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सबको बताएगी। बहुत सीरियस थी उसको लेकर, शादी करना चाहती थी उससे। अच्छा, क्या नाम क्या था उस लड़के का? नहीं सर, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पर हाँ सर, वो कॉलेज खत्म होने के बाद मंगलावाड़ी चौल जाती थी, एक दो बार तो मैंने खुद उसे वहाँ पे छोड़ा था। वहाँ पे एक लड़का बाइक पे हेलमेट पहने उसका इंतजार किया करता था। मंगलावाड़ी, चलो थैंक यू वेरी मच, तुम दोनों जा सकते हो। मंगलावाड़ी चल सर, नीता तो वहीं पे रिसर्च करती थी। और उसकी बहन सानिया, नीता की बहन सानिया जिस लड़के से मिलने जाती थी वो मंगलावाड़ी चाल में ही रहता है, मंगलावाड़ी चाल में। कुछ समझ गए? समझ गया सर, मतलब ये नीता उस लड़के को जानती है मगर जानबूझ के हमसे छुपा रही है। हाँ, मंगलावाड़ी चा, इस लड़की को देखिए, क्या आप में से कोई भी इसे जानता है, कभी देखा है? हाँ, ये अक्सर हमारे चौल में आया करती थी उस लड़के से मिलने। कौन सा लड़का? मनोज नाम था उसका, इसी चाल में रहता था वो। रहता था मतलब अब नहीं रहता? वो दरअसल कुछ साल पहले उसे सजा हो गई थी, अब तक तो सजा पूरी भी हो गई होगी, पर वो वापस लौटा नहीं। क्या क्या किया था उसने? सर पक्के से तो पता नहीं,
पुलिस कह रही थी चोरी चकारी का इल्जाम है उस पर। मनोज चल, थैंक यू वेरी मच। सर जिस मनोज की आप बात कर रहे हैं उसका तो सर कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। सुमित जी ये कैसे हो सकता है, जबकि मंगलावाड़ी चाल में रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि 5 साल पहले मनोज को उसी चाल में से गिरफ्तार किया था। सर सारी फाइलें आपके सामने रखी हुई हैं, 5 साल के सारे रिकॉर्ड आप देख चुके हैं, मगर कहीं भी इस नाम का कोई शख्स नहीं है। हो सकता है मनोज की फाइल गुम हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता, तो फिर मनोज की फाइल मिल क्यों नहीं रही है? हो सकता है सर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, या फिर इस नाम का कोई शख्स हो ही ना, या फिर चौल वालों ने आपसे झूठ बोल दिया। होने को तो ये भी हो सकता है कि मनोज की फाइल यहां से जानबूझकर गायब की गई। रवि जी क्या हुआ, तबीयत बिगड़ गई क्या, ये अचानक पसीना क्यों आने लगा? अरे कांपने क्यों लगे तुम, और अचानक ये फाइल छूट कैसे गई तुम्हारे यहाँ से? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे कोई भी कुछ भी छुपा नहीं सकता, बताओ क्या बात है? भागता किधर, लगता सर ये बिना दवा खाए इसकी बीमारी ठीक होगी नहीं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पैसों के कारण मनोज की फाइल जला दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पैसों की लालच में तुमने मुजरिम की मदद की, और तो और अपने नौकरी से गद्दारी की, अपने देश से भी गद्दारी की तुमने। कौन से जेल में है मनोज? तिलक नगर जेल में था, 7 साल की सजा थी उसे, अच्छे व्यवहार के कारण 4 साल में उसे रिहा कर दिया गया। सर अगर वो अच्छे बर्ताव के लिए रिहा हो ही रहा था तो फिर रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए उसे घूस देने की क्या जरूरत थी? सचिन शेखर और रतन इन दोनों के बीच में जो बहस हुई थी उसमें शेखर बोल रहा था कि वो वापस आया है, तो फिर जरूर वो मनोज के बारे में बात हो रही थी। सर उस चश्मे वाले का फोन। सर मैं जगनलाल चश्मे वाला, सर अभिजीत सर का फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ बोलिए। सर वो आदमी फिर आया था चश्मा बनाने। अब इस वक्त कहाँ है वो आदमी? सर वो जाते वक्त फोन पे बात कर रहा था, कह रहा था कि किसी विद्युत नगर जा रहा है, सेक्टर 5। विद्युत नगर, नीता भी तो विद्युत नगर में रहती है। My God, मतलब नीता की जान को खतरा है। आईसीपी सर हम नीता के घर पहुंच गए। ओह नो, ये नीता छत पे क्या कर रही है? इसे रोकना होगा। नीता नीता तो हटो। चश्मा ये क्या कर रही थी तुम, अपनी जान क्यों दे रही थी? जान दे रही थी, मैं क्यों अपनी जान दूंगी? तुम छत पे क्या करने आई थी? छत पे? मैं छत पे क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने वो चश्मा पहना था और पता नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है। सर इस केस में ये क्या हो रहा है, लोग अचानक खुदकुशी करने चले आते हैं? सारे हादसों में एक चीज कॉमन है, ये चश्मा। ये चश्मा पहनने से पहले क्या हुआ था वो तो याद है ना तुम्हें? हाँ सर। नेता मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काकी ये क्या है? ऐसी हालत में मुझे ये गिफ्ट तुम्हें देते हुए बहुत अजीब लग रहा। गिफ्ट? हाँ तुम्हारा बर्थडे था ना, तो हमारे चौल के बच्चों ने अपने हाथों से बड़े प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया।
चश्मा? ये सविता जी कौन? सविता जी मंगलवाड़ी चौल में रहती हैं। बड़ी नेक औरत है। ये कितनी नेक औरत है ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। अरे 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 सविता जी, लगता है हम लोग गलत वक्त पर आ गए। कहीं जा रही थी आप? हाँ, वो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं कलकत्ता जा रही हूँ। लेकिन क्या करें, अब तो आप कलकत्ता जा नहीं पाओगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी? वो क्या है ना कि मुजरिमों को यहाँ खुले घूमने की आजादी नहीं। मुजरिम? कौन मुजरिम? शराफत का नकाब उतार। नीता ने हमें सब कुछ बता दिया है। मेरे को कुछ काम है, मैं अब तक तुम्हारी उम्र का लिहाज कर, मुझे सख्ती बरतने पे मजबूर मत कर प्लीज। बताइए, मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के मौत का बदला लेने के लिए किया। बच्चों की मौत का बदला? हाँ, नीता के पिता रतन ने मेरे दोनों बच्चों को मार डाला अपने बिजनेस पार्टनर शेखर की मदद लेके। जान ली? लेकिन क्यों? क्योंकि उसको गलत फहमी हो गई थी कि मेरा बेटा तनोज वही लड़का है जिसे उसकी बेटी सानिया प्यार करती थी। क्यों हुई ऐसी गलत फहमी? क्योंकि एक दिन तनोज सानिया को घर छोड़ने गया था तो रतन ने देख लिया और वो गलत समझ बैठा। फिर शेखर ने गुंडे भेजे इधर मेरे घर पे, मेरे दोनों बच्चे तनुज और कशिश को मार डाला। मैं उस टाइम पे घर पे नहीं थी इसलिए जिंदा बच गए। मगर नीता ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, उसे क्यों सजा दी तुमने? क्योंकि सतन ने मुझसे मेरे बच्चे जीने साहब, उसको वो ये दर्द देना चाहती थी। मनोज कहां पर है? मनोज कौन? मनोज वही मनोज जिसने तुम्हें बदला लेने में मदद की थी। साहब मेरे को नहीं मालूम। बताना तो पड़ेगा ही, ये जादू वाला चश्मा कहां से बनवाया, मनोज कहां पर है? आइए आइए जनाब, आप ही का तो इंतजार था, आइए। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? क्या बात ही ऐसी बॉस, आज मैं आपको एक कमाल का जादू दिखाता हूँ। देख साउंड के, मेरे पास मजाक करने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी बता। अरे यार दो मिनट, हमेशा काम करते रहते हो, जरा जादू देखो प्लीज प्लीज। तारेगा लेके आओ सर। एक देखो 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 क्या होता है, देखो ये लीजिए सर। वेरी गुड सचिन, यार तुम ये जरा चश्मा पहन लो। चश्मा? लेकिन मैं ही क्यों सर? अरे पहनो पहनो, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। अब सचिन जरा ध्यान से देखो और बताओ कि ये चश्मा वहां से ला करके किसने दिया? अरे सर कैसी बात करते, तारी करे नहीं। सचिन कौन से देखो, ये चश्मा वहां से उठा करके तारिका नहीं श्रेया लेकर के आई। मैं? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके सामने जो खड़ी है वो तारिका है और जो यहां खड़ी है वो श्रेया। सचिन जरा गौर से देखो और फिर बताओ, तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो तारिका नहीं है, वो श्रेया है। सचिन सर, मेरे सामने जो खड़ी है वो श्रेय है। सचिन मेरी गन लो और तुम्हें इस गन के साथ क्या करना है सचिन तुम जानते हो ना? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस गन के साथ क्या करना है। सर उनके कुछ नहीं होगा, उनके ऐसी मजाक मत कर प्लीज, बिलीव मी। हाँ सचिन, तो पता है ना तुम्हें क्या करना है इस गन से? हाँ सर पता है। लाओ सचिन ये गन मुझे दे दो।
अब ये चश्मा भी तुम्हारा उतार देना है। जो क्या रहे सर भाई और सचिन, अभी अभी आपने मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर गोली भी चलाई, वो तो गन खाली थी इसलिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा? मैं तुम्हें गोली क्यों चलाऊंगा? रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताता। बस ये बहुत ही स्पेशल चश्मा है। इस चश्मे में एक डिवाइस लगी हुई, एक ऐसा यंत्र जिसकी वजह से जो इंसान इस चश्मे को पहनता है वो सम्मोहित हो जाएगा। डिवाइस और ये नैनो डिवाइस है जो वॉइस रिकॉर्ड करता रहता है, तो जिस इंसान ने चश्मा पहना है उससे ये बताता रहता है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। आपने जो मुझ पर गोली चलाई वो भी इसी डिवाइस की वजह से, इसलिए वो आवाज आ रही थी। लेकिन ये आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि वो आवाज बहुत ही ज्यादा धीमी है। बस वो आवाज इतनी कम है कि बाजू में खड़ा इंसान भी वो आवाज सुन नहीं सकता है। और जैसे ही ये चश्मा उतारा जाता है आदमी भूल जाता है कि उसने जब वो चश्मा पहना था क्या किया था उस वक्त। एग्जैक्टली, और इसीलिए रतन जी को ये याद नहीं था कि इन्होंने शेखर पे गोली चलाई। और उस बॉडीगार्ड को भी इसीलिए पता नहीं चला कि वो कब छत पर गया और कब छलांग लगाई। ये सारा इस मनोज का किया हुआ कर्म है। अब वो वक्त आ गया है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया वो सारे कर्मों का हिसाब होगा। अफसोस, पाप का घड़ा उनमें से भी भारी है, लेकिन मेरी जैसी औरत का जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद करती हूँ अगले जन्म में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगी। ये क्या कर रही है? उतार, चश्मा उतार। मेरा बच्चा आ गया। तूने जहर पिया? आई, ये क्या किया तूने? मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। बेटा मेरे को माफ कर दे, हमारे साथ इतना ही था। नहीं आई, आई नहीं, आई, आई, आई। जिस किसी ने भी तेरे साथ ऐसा किया है माँ, तेरी कसम से छोड़ूंगा नहीं मैं। अब पता चला इसे अपनों पर वो मौत का चश्मा लगाने के बाद कैसे लगता है? चलो अब तुम्हारे आंखों पे कानून का चश्मा चढ़ाते हैं। कहाँ भाग रहे हो? रुक, सचिन उधर से, पीछे जाओ उसके। Wish you many many happy returns of the job. Happy Thank birthday. Thank you so much. अब जेल की चक्की पीसने की तैयारी करो। सविता जी भले ही मेरी असली माँ ना थी, पर वो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। उनके बच्चों के मरने के बाद उन्होंने मुझे ही अपना बेटा माना था। मतलब तनुज और कशिश के बाद? हाँ, उन दोनों बच्चों की मौत कोई हादसा वादसा नहीं थी बल्कि उनका खून हुआ था, जिसे किया था नीता के पिता रतन कुमार ने, और मुझे झूठे रॉबरी के केस में फंसाया भी उन्होंने ही था। इसलिए मैंने प्लान बनाया, बदला लेने का प्लान, और रतन की कंपनी में ही नौकरी कर ली। लेकिन रतन ने तुम्हें पहचाना नहीं? रतन और शेखर ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं था, और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। और जेल से छूटने के बाद ना ही मैंने सविता माँ के बच्चों का बदला लिया बल्कि अपनी सान्या जिसे मैं इतना प्यार करता था उसकी भी मौत का मैंने बदला लिया। हमारे पास चले आते हम तुम्हें न्याय दिलाते। कानून पर से तो विश्वास ही उठ गया था मेरा, इसलिए मैंने खुद ही न्याय करने की सोची, नीता से दोस्ती की फिर उसे मार दिया। सान्या से प्यार करते थे तुम, इसे प्यार कहते हो? उसकी बहन की जान लेने चले थे तुम, वो तो अच्छा हुआ हम लोग वक्त पे पहुंच गए
और उसे बचा लिया। क्या नीता जिंदा है? हाँ जिंदा है। बहुत कोशिश की ना तुमने उसे मारवाने की। उसके बॉडीगार्ड को भी वो चश्मा पहना दिया ताकि वो आत्महत्या कर ले, मगर नहीं, तुम्हारा प्लान वैसे ही फेल हो गया। हाँ, मगर रतन का प्लान फेल नहीं हुआ। मैंने वेटर के जरिए उसे खूनी चश्मा पहनाया और उसी के जरिए उसी के दोस्त को मरवा दिया। और फिर हमारे आने से पहले वो चश्मा तुमने गायब कर दिया। तो फिर वो चश्मा सविता के जरिए तुमने नीता तक पहुंचा दिया। माँ, तू जिंदा? मैं जिंदा हूँ। मेरे को माफ कर दो मनोज बेटा, ये सब कुछ मुझे सीएडी को बताना पड़ा। इन्होंने जो कुछ भी किया हमारे कहने पे किया। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने बहुत नाटक किया और तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए हमने भी ये छोटा सा नाटक किया। क्या मिला तुम्हें? इस बदले की आग ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.